नाम वीरेंद्र भगत और मैं चाना प्रखंड एक छोटी सी गांव हूं तो और डिस्ट्रिक्ट रांची झारखंड के रहने वाला हूं। हर इंसान का एक सपना होता है, उसी तरह से मेरा भी बहुत सपना था। पहले कहीं ना कहीं से मुझे देश की सेवा करने का सपना था और देश की सेवा करने के लिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद नहीं हो पाया और मजबूरी ने मुझे कहीं मजदूर करने के लिए बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि आज बाप बड़ा ना भैया बड़ा सबसे बड़ा रुपया, रुपया है तो सब पूछेंगे, रुपया नहीं तो कोई नहीं पूछेंगे। क्यों बाहर जाना पड़ा? क्योंकि एक हर इंसान का कुछ समय में गर्लफ्रेंड होता है और एक मेरा गर्लफ्रेंड था, पैसा की वजह से मुझे रिजाइन मार दिया। और उसको हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना था और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं भगवान से बोल रहा था कि कहीं अच्छा करे और दो कमरा का मकान, कम से कम गाड़ी के बारे में तो उस समय सोच ही नहीं रहे थे कि अवकाश ही नहीं था तो सोचेंगे कहाँ है। किसी तरह से एक अच्छा घर कम से कम हो जाता तो अच्छा होता। इस तरह से सोच लेके मैं 9 साल आपको जम्मू कश्मीर में डैम बन रहा था वहां पर काम कर रहा था। और तो 9 साल काम करने के बाद दारोटी चल रहा था, कैसे 9 साल बीता पता ही नहीं चला। फिर वहां से काम खत्म हुआ, लात मार के वहां से भी भगा दिया। और घर आने के बाद कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और चाह थी कुछ कर गुजरने का, क्योंकि अगर साई वो लड़की अगर हमको रिजाइन नहीं मारती तो आज मैं से चुप नहीं करता। बड़ा कुछ कुछ दिखाने की वजह से मुझे सोच रहा था भगवान से कि वो मिल जाए। और किसी के माध्यम से जिस तरह से आप लोगों को ज्वाइन कराया गया उसी तरह से मुझे भी किसी न किसी आपको जो साप्ताहिक प्रेजेंटेशन था उसे वहां पर डाला। और देखने के बाद लगा कि हाँ, यहाँ से जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन हर इंसान के साथ मजबूरी होते, बिजनेस अच्छा लगता है लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा नहीं होता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही हूँ? दोस्त प्लान देखने के बाद कहीं से मैनेजमेंट करके बहुत सारे लोगों को बस प्लान देखने के बाद बहुत सारे बहाना बनाते हैं कि पैसा नहीं है। मैं बहाना नहीं बनाया, मैं कहीं से मैनेज किया और पैसा को ज्वाइन किया, बिजनेस को ज्वाइन किया। अगर उस समय हम मना कर देते, मुंडी को एक बार हिला देते तो आज जो मान सम्मान इज्जत जो मिला है साई को इज्जत नहीं मिलता। मैं एक भी बहाना नहीं लगाया, थोड़ा तो वक्त दिए लेकिन ज्वाइन किया। उत्तर जिले के 390 से ज्वाइन किए। अगर उस समय पैसा नहीं होता तो एक बार मुंडी हिल जाता ना, 5 लाख 50 लाख जो कमाया वो चल जाता। उस दिन मेरा कॉमन साइन इधर उधर भटका नहीं, कहीं से अरेंज करके आपको बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और आपको जब सही रास्ता में जब चलिएगा ना, सही रास्ता जब आपको चलिएगा, सही चीज जब मिलता है तो कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं होता है, अपना ही दुश्मन होता है। क्या मैं सही हूं? सही हूं। और दोस्त अपने लोगों को बताना शुरू किया, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था। और हम इस बिजनेस को अभी आने के बाद लगता है कि डायमंड बनने का आते, लेकिन डायमंड बनने के लिए आया था। हम कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था, मेरे पास ज्यादा पता था कभी कंप्यूटर लैपटॉप था नहीं, 10-10 साल का लैपटॉप दिए थे और 10-10 साल चला था कि जितना जल्दी लैपटॉप चलाने की सिखाएंगे उतना जल्दी मेरा बंदा फील्ड में जाएगा। अब हमको दशरथ सर
लैपटॉप चलाना वीडियो भी चलाना सिखा दिया था, लेकिन एक चीज जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान नहीं था, उसी तरह से हम भी ध्यान नहीं दिए थे कि लैपटॉप कैसे बंद करना। प्लान जैसे तैसे हम लोग को जो भी आता था प्लान करने के, एक जगह गया प्लान करने, मेरा प्लान भी आज बिजनेस में नहीं है, लेकिन मेरा प्लान के साथ गया, प्लान हम ही किए। सब कुछ करने के बाद जब बारी आई लैपटॉप की बंद करने की, तो मैं अप्लाई के ऊपर, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन सा बटन को दबा कर लैपटॉप को बंद करें। अप्लाई तो बोल रहे हैं सर ऐसे ही पकड़ के चली ले जाते, ऐसे ही पकड़ के ले जाते। फिर उसके बाद अप्लाई पता नहीं कौन कौन सा बटन को दबाया, हमको पता ही नहीं चला। फिर किसी तरह लैपटॉप बंद हो गया। दोस्त वहां से उठ के आज यहाँ तक पहुंचे, तो क्या आप लोग नहीं पहुंच सकते हैं? क्या नहीं पहुंच सकते हैं? दोस्त इस बिजनेस में हम जब शुरुआत में जब सेमिनार हुआ था, तो देखे कि यहाँ पर आपको सच सच आपको हिमाचल का ठंडा इलाका है, सब गोरा गोरा है, तो हम सोचे कि गोरा लोग जल्दी कामयाब होते हैं, और हम भी गोरा होने के लिए 15 दिन के अंदर में 18 फेर लकड़ी लगा रहे। फिर गोरा के साथ मुझे लगा कि ना इस बिजनेस में गोरा होने की जरूरत है, ना काला होने की जरूरत है, ना पढ़े लिखे, बस आपके अंदर में वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो कमिटमेंट होना है कि कुछ गुजरने का, कुछ कर गुजरने का। इस बिजनेस आपको आज यहाँ पर जो भी आए हैं, जो भी आए हैं, डायमंड वही व्यक्ति बनेगा जिसका बाइंड डायमंड बनने का माइंड सेटअप होगा। जिस दिन आपका माइंड सेटअप हो गया, उस दिन आप डायमंड बन जाइएगा। बस आपको माइंड सेटअप करना है। बिजनेस आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं जो पहले आता है वही ज्यादा कमाता है। दोस्त आज मैं प्राउड महसूस करता हूं कि मैं आज डायमंड हूं, और मेरा डाउन में डबल डायमंड आपके सामने प्रमोशन हुआ। बहुत सारे लोग, मैं आप लोग को बहुत कुछ बता देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपको सही समय में आपको बिजनेस मिला है, क्योंकि 2040 21वीं सदी में हम लोग कदम रख चुके हैं, और 2040 में एक साधारण जिंदगी जीने के लिए 10 लाख रुपया महीना चाहिए, और आपको एक ही संख्या दे सकती है, सिर्फ दो। तो अगर आपको कोमा लग्जरी नहीं बोल रहा हूं, एक कॉमन जिंदगी जीने के लिए कौन सा आप डिग्री लीजिएगा, कौन सा जॉब कीजिएगा, 2040 में 10 लाख रुपया महीना कमाइएगा, क्या है हम लोग के साथ अवसर? हाय अवसर, बस एक ही प्लेटफॉर्म है, सेफ को। बस इसको कुछ भी परिस्थिति आ जाएगा, कुछ भी मुसीबत आ जाएगा, छोड़िए घमंड। मुझे मालूम नहीं कि आपका मम्मी पापा ने आपको क्या सिखाया है, मेरी मम्मी मेरे पापा ने मुझे सिखाया, हालात को गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझ के सलाम करेगी दुनिया।